नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश आज के फटाफट ताज़ा समाचार में आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कहा है कि शहरी क्षेत्रों में वन आवरण और फेफड़ों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने भारत के 200 निगमों और शहरों के साथ मिलकर नगर वन नाम से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है और लोगों से सक्रिय रूप से भाग लेने तथा अपने क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। सरकार ने इस साल 145 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। छत्तीसगढ़ में राम वन गम मन पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग द्वारा 9 स्थलों का चयन करते हुए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत का एक कंसेप्ट प्लान तैयार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने के कॉन्सेप्ट प्लान को स्वीकृति देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में बताया कि शोधकर्ताओं से प्राप्त जानकारी, शोध लेखों व पुस्तकों के अनुसार वनवास के दौरान दक्षिण भारत प्रवेश करने के पहले भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के 51 स्थलों पर रुककर विश्राम किया था। रायपुर एम्स ने रोगियों के लिए एक नई तरह की एम्बुलेंस तैयार की है जो चलती फिरती मिनी ICU के समान कार्य करेगी। इसमें गंभीर और दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के जीवन रक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिनमें ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर और डिजिटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम शामिल होगा। इसमें GPS भी लगा है जिससे पल पल इसके परिवहन पर नजर रखी जा सकेगी। नई एम्बुलेंस को नेशनल एम्बुलेंस कोड के मुताबिक तैयार किया गया है। दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी प्रवासी बघेल ने सभी अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि की स्कूली फीस बच्चों से ना ली जाए। उन्होंने जारी पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि समय समय पर शिकायत प्राप्त हो रही है कि कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा पालकों को व्हाट्सएप मैसेज या अन्य संसाधनों से स्कूल फीस जमा करने हेतु सूचना भेजी जा रही है। पालकों को स्कूल फीस जमा करने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना न दी जाए, अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण के बचाव तथा पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू रहेगा। दस्तावेजों के पंजीयन की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विभाग द्वारा 6 जून से प्रत्येक आधे घंटे की अवधि में 3 पक्षकारों को अपॉइंटमेंट दिए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे पूर्व प्रत्येक आधे घंटे में मात्र 2 पक्षकारों को दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पौधारोपण कर लोगों से अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील की है। सरोज पांडे ने जल परिसर दुर्ग में कदम, सोनपत्ती, सेमल, सतावर, लाल चंदन, शिकाकाई, कटहल सहित अन्य कई पौधे रोपे। उन्होंने कहा कि यह पेड़ आने वाले समय में निश्चित तौर पर पर्यावरण को शुद्ध करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस द्वारा पशु पक्षियों के संरक्षण में प्रकृति से प्रीत अभियान का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष में प्रकृति से प्रीत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें कृत्रिम रूप से तैयार घोंसले को पक्षियों को समर्पित किया, जिसमें उनके दाना और पानी की व्यवस्था की गई। पुलिस विभाग के द्वारा पशु एवं पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके दाना पानी की भी व्यवस्था इस अभियान के तहत की जाएगी। दुर्ग शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट स्थित विक्की मोबाइल शॉप में चोरों ने शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 30 से 40 हजार रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिए। पूर्व में भी आसपास की दुकानों में 2-3 चोरी की घटनाएं हो चुकी है। दुकान में चोरी को लेकर दुकान संचालक विक्की केसवानी ने तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में इस घटना की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में आज रात से बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि निसर्ग चक्रवात का अवशेष मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है और इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में 6 जून को छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। उसके बाद प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी
वहीं कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।